फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे डाइजीप्लेक्स सिरप के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हम आपको एक से एक बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं डाइजीप्लेक्स सिरप के बारे में। तो दोस्तों, डाइजीप्लेक्स सिरप एक ऐसा सिरप है जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है या जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है या फिर थोड़ा खा लेते हैं तो उनको अफरा सा हो जाता है, पेट भरा भरा सा रहता है, या फिर ऐसे मान लो कि पेट में वायु की समस्या ज़्यादा रहती है या कि पेट में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस कंडीशन में अगर आप डाइजीप्लेक्स सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारा जो समस्याएं हैं आपकी या कि गैस से रिलेटेड जो भी समस्या है आपको बिल्कुल परमानेंटली खत्म कर देता है। अब दोस्तों, बात करते हैं जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली यानी कि ठीक नहीं रहता है, तो अगर आप इसका डाइजीप्लेक्स सिरप का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, प्लस आपकी आंतों में काफ़ी मतलब मजबूती देता है। दोस्तों, आजकल क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड खाना ले लेते हैं तो क्या होता है, गैस की समस्या से जूझना पड़ता है, या थोड़ा ओवरडोज यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इन सब सारी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर डाइजीप्लेक्स सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का निदान मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि डाइजीप्लेक्स सिरप को आप किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर कुछ टैबलेट निकलती हैं, उस टैबलेट को आप किसी खरल में, ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं, एक खरल में लेकर अच्छी तरीके से पीस करके इसको पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर इस बॉटल में आपको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से खूब काफ़ी हिलाना है, और हिलाने के बाद ये आपका रेडी हो जाता है, यानी कि डाइजीप्लेक्स जो सिरप वो आपका रेडी हो गया। अब आपको अगर कभी भी गैस बनती है या फिर आपको अफारा रहता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, थोड़ा सा ओवर खा लेते हैं, आपको ये समस्या रहती है, तो इस कंडीशन में अगर आप डाइजीप्लेक्स सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, कैसी भी गैस बनती हो, कुछ भी अगर आपको हार्ड खाना लेते हैं तो कुछ ही यानी कुछ भी खाओ सब कुछ हजम हो जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और दूसरी बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये बना के रखता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डोज़ क्या है। तो दोस्तों, जो एडल्ट के लिए होता है, एडल्ट में आपको 10 ml लेना है खाना खाने के बाद, यानी जिन लोगों को ये दिक्कत ज़्यादा रहती है तो उसको 10 ml खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डाइजेशन सिस्टम आपको प्रॉपर ठीक रहेगा, प्लस आपको गैस नहीं बनने देगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देगा, और आपको जो खट्टी मीठी डकारें आती हैं उसको नहीं बनने देगा, और प्लस आपकी जो भूख खत्म हो जाती है, क्या होता है गैस अगर ज़्यादा बनती है तो भूख नहीं लगती है, तो इस कंडीशन में अगर आप डाइजीप्लेक्स सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख भी खुलकर लगेगी, प्लस आपका डाइजेशन सिस्टम को भी बनाकर रखेगा। अब दोस्तों, बात ये करते हैं कि अगर आप इस सिरप के कम से कम आप ये लिक्विड बनाने के बाद आप 3 सप्ताह तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 सप्ताह से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपके लिए फिर दूसरे प्रभाव कर सकता है, यानी कि 3 सप्ताह तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन की क्वांटिटी में इसका वेट है, यानी कि इसकी बॉटल जो है क्वांटिटी इसमें दे रखा है लिक्विड, वो सोयाबीन में होता है, यही 3 सप्ताह तो बहुत समय होता है, 1 सप्ताह में ही आपको ख़त्म कर देंगे आप। तो दोस्तों, ये अल्फा एमिलेसन पेप्सिन लिक्विड में इसको बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो मार्केट प्राइस है, आप देख रहे हैं इसका मैन्युफैक्चर अक्टूबर 2019 में ये बना है और एक्सपायरी मार्च 2021 की है, और MRP इस पर दे ही रखी है 75 रुपये 34 पैसे। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और हम आपको नई से नई वीडियोज़ आप पहुँचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।